जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय गोंडा जिला। गोंडा ये पूर्वांचल में आता है, बुंदेलखंड में आता है, केंद्र है समझिए। अच्छा, पूर्वांचल का केंद्र है जी। और हम हैं गोंडा की बस्ती में और हमें अपनी मस्ती में अयोध्या, हम अयोध्या के पास में हैं। भगवान राम की ये कार्यशैली रही होगी, जन्मभूमि भी है। बहुत बढ़िया। अंकल नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? रामलोचन सिंह खजूरी, आदर्श तिवारी खजूरी से। आपका मोबाइल नंबर? 6305-68-337। गुड। आप ही लोग यहाँ पे केले के निर्माता बनोगे? मैं रागवन प्रताप सिंह खजूरी, तरफगंज गोंडा उत्तर प्रदेश। आप दोनों की जोड़ी यहाँ पे धमाल मचाने वाली आने वाले समय में, ये पकड़िए। गोंडा के अंदर अगर खेती करनी है तो आ जाओ तरफगंज, और तरफगंज में आ जाओ खजूरी। खजूरी के खजूरिया खजूरी खजूरी खजूरी। अच्छा, नाम बड़े मजेदार है आपके। अपने आप बीज हो रहा है, ये जा रहा है। हाँ, ये देखो, इसको आप एक झटका मारोगे इधर, पूरा न्यूट्रिशन दे गया इस पौधे को। अभी है, इसके थोड़ा सा जान बच रही है, जाने दो उसको भी। अब इसको करना कुछ नहीं है, बस बेड पे लिटा दो, इतना हो गया। राघवेंद्र भैया जी, आपने जो ये एक में कचरा किया है, एक खाली छोड़ा है, ऐसा नहीं करना है। इसको हम बेड पर कराएंगे। सुनो, वो करना है ड्रिप पे, समझे कि नहीं? वो ड्रिप की पद्धति है। यदि ड्रिप नहीं है तो ये बेड पे होना चाहिए। शानदार तरीके का मजेदार वाला आपको रिजल्ट वो देगा। कराएंगे भी। हाँ, अभी आ जाओ इधर, पेड़िया नापे एक बार, पता तो चले मेहनत कहाँ चल रही है। मेहनत फुल है राहुल जवान की, इसमें मेहनत कुछ हुई ही नहीं है, इसमें ट्रिक चली है हमारी किसान पाठशाला। एक सेकेंड है, इसमें ना कोई फंजीसाइड। अबे यार, ये तो हर्बिसाइड धागे से भी मजबूत है। तो ही है। केले का पत्ता नहीं टूट रहा है। पकड़ो अंकल जी इसको जरा, एक 9×18 9×27 9 × 36 का है भाई साहब ये। और अभी इसको हमने कुछ दिया ही नहीं है। अगर वैसे फर्टिकेशन की बात करें, जो दुनिया पागल होकर करती है ना काम जी जी, और ये मजबूत देखो, ये मिट्टी भी नहीं लगी है इसमें। मिट्टी लगाने नहीं है, लोग जबरदस्ती करते हैं, बस इस पे मिट्टी लगाना है जी। यहाँ तक ये जो आंख दिख रही है ना जी, ये जो वी बनता है जी, यहाँ तक मिट्टी होना चाहिए बस। लगवा हुआ है टमाटर, और देखो तना इसका काला है। ठंडी के बाद कुछ होगा गजब? नहीं नहीं, हाँ मिट्टी तो ठंडी के बाद ही लगेगी, अभी भी लग सकती है। ये जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे जड़े नहीं है आपकी, ये मिट्टी उठा के लगा दो, बहुत सुंदर। मैं जब देखो, ये इसका भी बाप है। अब इससे इससे तो और अच्छे अच्छे हैं अंदर। सुनो, अभी इससे अच्छे भी अंदर हैं, ये तो इससे भी ज़्यादा है। तो नापे तो अगर ऊपर आ जा रहा है उधर से, इसको यहाँ पकड़न कर, पकड़ के रखो। नौ दुनिया 18 9×27 9 × 36 का ये भी है। हाँ 36×38 36, लेकिन जबरदस्त। लेकिन इस पे मिट्टी चाहिए जी। हाँ मिट्टी चाहिए यहाँ तक, तुम्हारा सारा पूरा कर जाएगा ये देखो। ये अभी लीज हो रहा है। होने दो तक हो गया, छेड़ना ही नहीं। अब फायदा ये होता है, यदि आप इसको उठा के फेंक देते तो मैं इधर लाओ, तुम्हारा पैसा ही तो लगता। हाँ, पिछले साल से जितना भी वो है रॉ मटेरियल, इसका सब इसी में है। ये देखिए पुराने पिछले साल वाला, जड़े देखिए, जड़े इसकी, ये देखो जड़े वहाँ भी हैं। ये तो वाइट जड़े दिख रही है, इधर लाओ कैमरा, ये एकदम वाइट जड़े दिख रही है, धूप आ रही है जरा, ये एकदम रूट ऊपर ऊपर, ये देखो ये वाइट जड़ है इसकी, देखिए ये रूट है, ये यहाँ तक, ये देखो ये इसके अंदर, ये देखिए ये देखो ये, अब दिखा पूरा जाल बन गया इसमें, और इसके अंदर ये देखो विस्टा, गोली गोली से ये देखो, फिर रूट
तो ये जो गोली कोई कीड़ा ही करता होगा सर, तो ये नुकसान नहीं, नहीं करता, करता। जी ये को करता है केंचुआ, इसको रख दो। मल्चिंग करना इसलिए जरूरी है, इसलिए ये मल्चिंग अगर बेड पे हो पौधे के 1.5 फीट इधर इधर लाओ तो इधर उसको ये सड़ गया। अब ये देखो ये पूरी उम्र कर गया अपनी, खत्म हो गया, इसमें तो गड्ढा हो गया। हाँ अरे ये अपने आप खत्म हो जाएगा गड्ढा, यहीं पर अगले साल फिर पौधा आएगा। अब इसको यहाँ मल्चिंग कर दो। इतना शानदार सिस्टम हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं खेती का, कि जैसे ये है जो भी कुछ है इसका ये निकाल देना और इसको यहीं पे फिर आप ये देखो इसके नीचे भी अगर ध्यान से देखोगे। इधर लाओ तो तिवारी जी, ये देखो ये रूट दिख रही है सारी, ये सर ये, इसका मतलब ये है आप लोगों का जो अगर आप मल्चिंग करोगे जी, मल्चिंग से आपकी दो चीजों में फायदा होता है। जैसे ये पौधा हमारा है जी, तो इसको हमारा पौधा जैसे कहीं पौधा गड़बड़ हो तो उसको हम फरवरी में तो लगा सकते हैं? नहीं ये काम नहीं करेगा जी, ये आपको वो नहीं देगा जो आपको चाहिए। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने पौधा छोड़ा पास में, अभी तक आपने जो न्यूट्रिशन नहीं दिया और उसके बावजूद भी आपका पौधा इस समय पे 36 से 40 इंच का है। हाँ मैं बताता हूँ, जो 36 से 40 इंच का भी ये हो रहा है आपका पौधा, उसका कारण है कि आपके पास ये जो मदर प्लांट था आपने इसको बर्बाद नहीं किया और आपने इसको छोड़ दिया यहीं पे। तो ये मदर प्लांट में जितना भी न्यूट्रिशन था ये सारा का सारा गया आपका इस पौधे में, इसीलिए आप बोल रहे हो कि भैया बिना दिए खेती हो गई। हम यही चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं यूपी में और पूरे भारत में पूरे विश्व में, आप लोग कम खर्च में अच्छा उत्पादन कैसे लें, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीका बताया है। हाँ सही, जैसे का कटवाई तो हमारा अंकल जी बिना पैसे के, ये पिछले साल का सब देखो कि बिना पैसे के माल तैयार हो रहा है और क्या चाहिए किसान को। हाँ ये बढ़िया है, ये सब डीएपी है तो हम खोद लें। हाँ ये मिट्टी जहाँ तक चाहे हम खोल सकते हैं हाथ से। तो लोगों को यहाँ आना चाहिए तरफगंज में, गोंडा वालों को, और ये प्लॉट देखना चाहिए, बहुत सुंदर और सारा का सारा ही ऐसा है। बल्कि हम तो घुसते उस तरफ से जहाँ से एकदम कमजोर होता है। इसको दिखाइए, एक बंच है उसमें लगा हुआ। अच्छा हाँ, अब अगर जैसे इस समय पे ये बंच आ रहा है, ये पौधा सुअर खा गया था, कोई बात नहीं। अब जैसे ये बंच आपका इस समय पे आ रहा है, अगर इस बंच पे बंच कवर लग जाए अखबार लगा के तो ये सफल हो जाएगा। कहीं इसमें बीटल वगैरह नहीं है अभी? हाँ होगा नहीं, क्वालिटी भी जबरदस्त है, क्वालिटी तो बढ़िया है। ये तुम्हारे भाई के गार्डन चल रही तो हल्की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अच्छा आएगा। हाँ 9 भला 10 भी आ जाएंगे इसमें, लेकिन इस पर मिट्टी का स्प्रे चाहिए अभी। इंसेक्ट जो है देखो कहीं कहीं आ गए, कहीं कहीं नहीं, वो अपना काम कर रहा है, उसको तुरंत रोको, 1 लीटर पानी में ला के इस पर स्प्रे मार दो, मोटरसाइकिल पर टंकी लाओ, घर से घोल लो, ऐसी मिट्टी घोल लो और वो मार दो। बहुत सुंदर, डंडा भी अच्छा मोटा है। अरे मैं यूपी को बिल्कुल बदल दूंगा यार तुम भी। बस ये हमें जानकारी नहीं थी तो पौधे हमने ये सोचा कि जो पौधे एक बार कटिंग हो गए उनको नहीं छोड़ना है, इसी चक्कर में हमारे पौधे ये कुछ छोटे हो गए और कुछ कोई बात नहीं, बड़े सुनो हो गए। यूपी को मैं उस तर्ज पे लाके खड़ा कर दूंगा कि यहाँ पे केला जो निकलेगा वो ऐसी प्रीमियम क्वालिटी निकलेगी कि लोग यूपी का केला मांगेंगे कि मुझे केवल यूपी का पौधा चाहिए। अब हमारे में भैया जब केला हमारा तैयार हुआ था उस समय इतने सारे पत्ते जो है ऐसे थे, 8-10 पत्ते जो है कटाई के समय पर थे सुरक्षित से बिल्कुल। हाँ तो ये प्रीमियम क्वालिटी की पहचान होती है। अब आपकी इस पे फंगस शुरू हो गई है, छीका टोका आ गया, कोई नहीं आ गया तो जाएगा भी। ऐसा मिट्टी की स्प्रे से तो हो सकता है रुक गया? आराम के साथ रुकेगा, रुक रहा है बड़े आराम के साथ। बहुत सुंदर, ये देखो अपना रास्ता अपने आप चेंज कर लेती है कुदरत। इसमें मिट्टी और लग जाए तो 2-2 इंच की मोटाई बढ़ेगी जाड़े जाड़े में। मिट्टी बीच में से लगवा दो, बहुत जगह है, बहुत सुंदर जबरदस्त मजा आ गया देख के। आप चौथे आदमी हो जिनकी पेड़ी से मेरा दिल खुश हुआ है, बहुत बढ़िया। चलें, जय हिंद।